हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 3 विद्युत धारा का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे विद्युत धारा की। इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रॉनों के अपवाह को तथा संवहन वेग को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम विद्युत धारा का नाम लेते हैं तो जो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे विद्युत धारा की वजह से किसी अंधेरे कमरे में हम लाइट जलाकर रोशनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गर्मी में हम विद्युत धारा की मदद से पंखा या एसी को चलाकर ठंडी हवा खा सकते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए विद्युत धारा की ही मदद से हम टेबल लैंप को जलाकर रोशनी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप आगे भी लिख सकते हैं जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी उदाहरण हमें विद्युत धारा का उपयोग तो बताते हैं, पर ये होता क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो आइए समझते हैं कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में किसी नाव में बैठे हैं और ये नदी बड़ी शांति के साथ बिना किसी रुकावट के बह रही है। दोस्तों, जिस तरह से इस नदी की धारा बड़ी शांति के साथ एक से दूसरी जगह बह रही है, विद्युत धारा को भी कुछ इसी तरह से समझा जा सकता है, जो किसी तार में एक से दूसरी जगह पर ठीक इसी नदी के पानी के जैसे बहता है। लेकिन जैसे नदी में पानी बहता है, किसी तार में विद्युत की धारा के लिए तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर बहते क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए हम फिर से किसी नदी का उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, जैसे कोई नदी एक से दूसरी जगह तभी बह सकती है जब उसके पथ में ऊंचाई का अंतर हो। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि पानी उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ बहता है, ठीक इसी प्रकार किसी तार में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए विभव के अंतर का होना जरूरी है। जैसे नदी की उच्च ऊंचाई को तार के अधिक विभव से समझा जा सकता है, जबकि निम्न ऊंचाई को निम्न विभव से। और इसी विभव के अंतर की वजह से किसी तार में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहते हैं, जिसकी वजह से तार में उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो अब अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। किसी तार के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आइए इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ ये एक छोटे से तार का कोई टुकड़ा है जिसमें हम एक अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से मान लेते हैं। इस तार के अंदर मान लेते हैं कि कुछ मुक्त आवेश इस तरह से उपस्थित हैं, जो इस तार के अंदर गति कर रहे हैं। तो एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ काट से निकलते हैं तो उनसे बनने वाला आवेश विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा I बराबर होगी क्यू बटे टी के, यानी कुल आवेश को कुल समय से भाग करने पर आने वाली राशि के। अब अगर इसका मात्रक देखें तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जबकि समय का मात्रक होता है सेकेंड। यानी विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड, जिसे एम्पियर कहा जाता है। इसके अलावा कुल आवेश क्यू होगा एक सेकेंड में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाले आवेश तथा प्रति इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के, यानी Q बराबर होगा N गुणा E के। और इसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर विद्युत धारा I आती है ne बटे t। दोस्तों, इसके साथ ही साथ विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा होगी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा था
कि किसी तार के दो सिरों पर अलग अलग विभव बनने की वजह से उस तार के अंदर उपस्थित आवेश गति करने लगते हैं और ये आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभवांतर की वजह से अपवाहित यानी किसी निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और किसी चालक पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से क्षेत्र की दिशा के विपरीत संवहन करते हैं उसे संवहन वेग यानी VD कहा जाता है और जिसका व्यंजक होता है E टाउ बटे m। दोस्तों यहाँ पर टाउ विश्रांति काल कहलाता है यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाले संघट का औसत समय। आइए अब संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच के संबंध को समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि ये तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है, इस चालक का आयतन होगा a गुणा l। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन संवाहित होकर एक से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं, तो इसके लिए मान लीजिए कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे n गुणा a गुणा l। दोस्तों क्योंकि इस चालक की लंबाई l है और सभी इलेक्ट्रॉन संवहन वेग से ही गति करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाले समय t को हम कुछ ऐसे माप सकते हैं, यानी t बराबर l बटे VD। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I होती है Q बटे T, तो यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं N गुणा A गुणा L गुणा E, जबकि T की जगह लिख सकते हैं L बटे VD, जिसे हल करने पर I आता है N गुणा A गुणा VD गुणा E। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक और राशि है जिसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है और वो कहलाती है गतिशीलता। किसी चालक पर इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत संवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाया जाता है और परिभाषा के अनुसार इसका मान होता है VD बटे E, या इसे लिख सकते हैं μe बराबर VD। और जैसा कि अभी हमने देखा ही था कि विद्युत धारा और संवहन वेग के बीच एक संबंध होता है जो कुछ इस प्रकार से है I बराबर N A VD E। तो अगर हम यहाँ VD की जगह ऊपर वाले समीकरण से μe रखें तो हमें मिलता है विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच एक संबंध जो कुछ इस प्रकार से होगा I बराबर N A μe। आइए अब आज के विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो एक सेकंड में 3.2 एम्पीयर की धारा का गठन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर गति करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक सेकंड में गति किए हुए आवेश को कहा जाता है विद्युत धारा। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक सेकंड में बनने वाली धारा है 3.2 एम्पीयर, यानी तार के किसी हिस्से से एक सेकंड में कुल आवेश 3.2 कूलम ही गति करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है NE बटे T के, और हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n, जो बराबर होगा IT बटे E के। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो 3.2 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करेंगे जानने के लिए हम समीकरण में सभी राशियों का मान रख देते हैं, जिसे हल करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n आती है 2×10^19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 3.2 एम्पीयर की धारा उत्पन्न कर पाएंगे। दोस्तों आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का दूसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे
विद्युत धारा तथा धारा घनत्व को और इसके बाद ओम के नियम को। और सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा तथा धारा घनत्व क्या होता है और क्या इसका विद्युत धारा आई से कुछ संबंध भी होता है। तो दोस्तों, धारा घनत्व की परिभाषा होती है किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। इसे समझने के लिए हम यहाँ एक चालक की कल्पना करते हैं जिसमें ये वृत्त एक इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होगा क्षेत्रफल सदिश यानी ए कैप। अब मान लीजिए कि इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन में से कुछ इस इकाई क्षेत्रफल से होकर ही गुजरते हैं, तो हम यहाँ विद्युत धारा की दिशा को चिन्हित कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत धारा और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, यानी अगर धारा घनत्व को इस क्षेत्रफल से गुणा किया जाए तो हम कुल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। इसका मतलब कुल धारा I बराबर होगी J डॉट A के, जहां J विद्युत धारा घनत्व है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अदिश गुणन को लिख सकते हैं J A cos थीटा, और क्योंकि दोनों ही सदिश समान दिशा में हैं, इसलिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 हो जाएगा 1, यानी कुल विद्युत धारा I होगी J गुणा A। और अगर धारा घनत्व J को निकाला जाए तो वो होगा I बटे A, जैसा कि परिभाषित भी किया गया है। अब अगर इसके मात्रक पर ध्यान दें तो वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर धारा की वजह से और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वजह से। अब दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत धारा I को संवहन वेग के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि संवहन वेग VD होता है, E tau/m। तो अब इन दोनों ही व्यंजकों का उपयोग कर हम विद्युत धारा घनत्व J को लिख सकते हैं NE(E)tau/m या NE^2 tau/me। दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट में लिखी राशियों को दर्शाया जाता है सिग्मा से, जो कहलाती है चालक की विशिष्ट चालकता, यानी धारा घनत्व J बराबर होता है सिग्मा E के। और क्योंकि चालक की विशिष्ट चालकता किसी एक पदार्थ के लिए एक अचर राशि होती है, इसलिए अगर इसे हटाया जाए तो हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। आइए अब बात करते हैं ओम के नियम की। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी लिखा था कि विद्युत धारा I को संवहन वेग के रूप में कुछ ऐसे लिखते हैं, यानी I बराबर NE A VD, जहां संवहन वेग VD का मान होता है E tau/m। और अगर विद्युत क्षेत्र की जगह हम विभव के रूप में लिखें तो संवहन वेग VD होगा EV tau/mL। तो यहाँ पर हम विद्युत धारा के व्यंजक में VD का विभव के रूप में मान रखते हैं, तो I आता है NE A (EV tau/mL) या फिर इसे लिख सकते हैं NE^2 AV tau/mL। दोस्तों, समीकरण को थोड़ा और हल करें तो V/I बराबर होगा ML/NE^2 A tau के, जो कि किसी एक पदार्थ के लिए एक अचर राशि होती है, और इस अचर राशि को हम R से दर्शाते हैं, यानी V/I को लिखा जा सकता है R, और जो कहलाता है प्रतिरोध। दोस्तों, इसका भौतिक स्वरूप समझने के लिए हम मान लेते हैं कि विभव इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए बल लगाता है, जबकि प्रतिरोध
इन इलेक्ट्रॉन के पथ में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इसे और गहराई से समझने के लिए एक नियम दिया गया है, जिसे कहा जाता है ओम का नियम। दोस्तों, इस नियम को एक जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज सिमन ओम ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि भौतिक स्थिति जैसे तापमान, यांत्रिक तनाव आदि अपरिवर्तित रहती है, तो एक चालक के माध्यम से बहने वाली धारा हमेशा उसके दो सिरों पर विभवांतर के आनुपातिक होती है। यानी जैसे जैसे विभव का अंतर बढ़ता है, धारा भी रेखीय रूप से बढ़ती जाती है। दोस्तों, ओम के नियम से ही उत्पन्न होता है एक और विषय, जिसे कहा जाता है प्रतिरोध। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धारा और विभव आनुपातिक होते हैं, और इसी आनुपातिकता को बराबर करने के लिए एक स्थिरांक का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध, और इसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अगर इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया जाए, तो हमें प्रतिरोध के लिए कुछ गुणधर्मों को याद रखना होगा, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, ये लंबाई L के समानुपाती होता है। इसके अलावा ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन्हें हम मिलाकर लिखें, तो R बराबर होगा रो L बटे A के। यहाँ रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है, जो होती है 1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध। इसके बारे में हम और ज्यादा बात अगले वीडियो में करेंगे। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 100 ओम प्रतिरोध के एक चालक के दोनों सिरों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर बनाए रखा जाता है। 1 सेकंड में इसके माध्यम से बहने वाले कुल आवेश की गणना करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस परिपथ में विभवांतर V बराबर है 200 वोल्ट के, जबकि प्रतिरोध R बराबर है 100 ओम के। अब जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर होगा V बटे R के। तो यहाँ पर V और R का मान रखने पर धारा I आती है 2 एम्पियर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I होती है Q बटे T, तो यहाँ से कुल आवेश को निकाला जा सकता है विद्युत धारा और समय को गुणा करके, यानी Q बराबर होगा 2 × 1, यानी 2 कूलम के। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का तीसरा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता। इसके बाद प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता, और अंत में प्रतिरोधों का संयोजन। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी पदार्थ या चालक का प्रतिरोध कुल 3 चीजों पर निर्भर करता है, जो थे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। लेकिन इनमें से पहले 2 बिंदुओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु, यानी पदार्थ की प्रकृति की। दोस्तों, हर एक पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के लिए अलग अलग पथ होता है। यानी किसी पदार्थ में पथ में रुकावटें ज्यादा होती हैं, जिससे कि प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि किसी पदार्थ के अंदर रुकावट कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं और पदार्थ का प्रतिरोध कम रहता है, जैसे किसी धातु में। दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रतिरोधकता का उपयोग करते हैं, जिसे यहाँ रो से दर्शाया जाता है, और इसकी परिभाषा होती है 1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके साथ ही प्रतिरोधकता को निकालने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं,
जिससे रो आता है R गुणा A बटे L। और दोस्तों प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। आइए अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों की 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोधकता की। जैसे चालक की प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 × 10⁻⁸ से 98 × 10⁻⁸ ओम मीटर तक होती है। यानी किसी चालक में प्रतिरोधकता का मान काफी कम होता है, जबकि मिश्र धातु में ये मान 48 × 10⁻⁸ से 100 × 10⁻⁸ तक होता है, यानी लगभग चालक की ही कोटि का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्र धातु दो धातु जो कि चालक होती हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान चालक से ज्यादा यानी 3.5 × 10⁻⁵ से 2.3 × 10⁻³ तक होता है। और दोस्तों यही कारण है कि एक शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती। और अंत में कुचालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, यानी 2.5 × 10⁵ से 10⁻⁶ तक। पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है, जिसे इस समीकरण से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों इस समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर प्रतिरोधकता रो T बराबर होती है रो नॉट ब्रैकेट 1 × α ब्रैकेट T घटा T नॉट के। यहाँ पर रो T ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जबकि रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। दोस्तों अल्फा को कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक, और टी होता है वह तापमान जिस पर प्रतिरोधकता को मापना है, और अंत में टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा विश्रांति काल टाओ के संदर्भ में पदार्थ की प्रतिरोधकता को लिखा जाता है रो बराबर एम बटे n e^2 τ। तो दोस्तों अगर हम ऊपर वाली समीकरण से तीन अलग अलग पदार्थ जैसे कि सोना तांबा और चांदी के लिए ग्राफ बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। दोस्तों ये तीनों ही धातु यानी चालक हैं, हाँ बस इनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे कम प्रतिरोधकता है Ag यानी चांदी की, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता है सोने की। अब अगर हम तीन अलग अलग प्रकार के पदार्थ यानी चालक अर्धचालक और कुचालक के लिए ग्राफ बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि सबसे पहले किसी चालक के ग्राफ की प्रकृति अगर हम देखें तो वह कुछ इस तरह से होगी। अब अगर मिश्र धातु के लिए देखें तो मिश्र धातु के लिए ग्राफ की प्रकृति रेखीय होगी कुछ इस तरह से। और अंत में अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक के लिए ग्राफ कुछ इस तरह की प्रकृति का होगा, यानी जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती जाएगी। आइए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। दोस्तों किसी परिपथ में किन्हीं दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को मुख्यतः दो तरह से जोड़ा जाता है। पहला संयोजन कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जबकि दूसरा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों इस तरह के संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे से एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि R2 प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है, जबकि R3 प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अब मान लीजिए कि इस पूरे परिपथ में बैटरी
आई धारा प्रवाहित करती है। तो इन तीनों ही प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान यानी आई ही होगी। यानी सभी प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है। इसके साथ साथ परिपथ का कुल प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध सहित व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक में विभवांतर इसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे परिपथ के लिए अगर हम देखें तो कुल प्रतिरोध RS होगा R1 जमा R2 जमा R3। तो अब बारी आती है दूसरे संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन की। इस तरह की संयोजन में सभी प्रतिरोधों के टर्मिनल एक दूसरे से किसी समान बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 के टर्मिनल एक दूसरे से एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। अब अगर इस प्रतिरोध में बैटरी कुल विद्युत धारा I प्रवाहित करती है तो ये धारा इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर विभाजित हो जाती है और तीनों प्रतिरोधों से धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। इसके साथ साथ सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है और इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होता है। इसके अलावा पार्श्वक्रम संयोजन के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा विभिन्न प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित व्यक्तिगत धाराओं के योग के बराबर होती है। और अंत में किसी भी प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा किसी समांतर क्रम संयोजन के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कुछ इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। आइए अब इन्हीं विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, तीन प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। यदि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 8 ओम के हैं तो तीसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जिसमें V बराबर है 20 वोल्ट के, I बराबर है 5 एम्पीयर और R1 है 10 ओम तथा R2 है 8 ओम और R3 जो हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि वह है R। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि कुल प्रतिरोध RP बराबर होगा V/I के, यानी 20/5 बराबर होगा 4 ओम के। इसके साथ साथ समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध को लिखा जा सकता है 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। अब इसमें RP, R1 तथा R2 का मान रखने और हल करने पर R आता है 40 ओम, यानी तीसरा प्रतिरोध 40 ओम का होगा।